आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं तो एंकर ट्राई कीजिए यह पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है नंबर एक ये फ्री है नंबर दो इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं नंबर तीन आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए एंकर डॉट एफ पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए यह तो थी एक छोटी सी जानकारी और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के सैंतीसवें भाग राजकलह को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में गुरजरीश्वर महाराज चामुंड राय अत्यंत क्रुद्ध थे वे क्रोध में आकर अंट संट जो मुंह में आता था वही बगझक रहे थे उनके सम्मुख गुजरात के राजस्व सचिव विमल देव शाह बैठे थे उनके चेहरे पर भी दृढ़ता और विद्रोह के चिन्ह स्पष्ट थे महाराज ने कहा गुजरात का राजा मैं कि तू आप विमलदेव शाह ने संक्षिप्त जवाब दिया तो राजकोष का स्वामी कौन मैं महाराज ने क्रोध से कांपते हुए कहा तू तो चाकर चाकर राज्य का राजा का नहीं राजा का क्यों नहीं राजा भी राज्य का चाकर यह बात है तू राज विद्रोही है मैं राज सेवक हूं पर मैं जैसी मेरी इच्छा होगी राजकोष खर्च करूंगा यह नहीं हो सकता तूने वल्लभ को दम क्यों भेजा उसकी आवश्यकता थी राजकार्य के लिए मेरी आज्ञा क्यों नहीं ली महाराज को राजकाज देखने का होश ही नहीं है राजकाज तो दूसरे ही देखते हैं दूसरे कौन जैसे मैं तो राजा कौन महाराज तब दे राजकोष मुझे नहीं राजकोष राजकार्य में व्यय होगा मैं तुझे पद भ्रष्ट करता हूं मैं अस्वीकार करता हूं तेरा इतना साहस बिना साहस के तो महाराज राज काज होता नहीं राजा के मुंह से क्रोध के मारे झाग निकलने लगे उन्होंने एक खवास की ओर देखकर कहा पकड़ेस हरामखोर को हरामखोर की गाली राजा के मुंह लगी थी गाली सुनकर विमलदेव शाह का मुंह लाल हो गया उन्होंने तलवार सूंथ ली इसी समय खवास राज आज्ञा का पालन करने को आगे बढ़ा विमलदेव ने खट से उसका सिर काट लिया राजा के सामने खून की नदी बह निकली लाश तड़पने लगी राजा का क्रोध हवा हो गया वो भय से थरथर कांपने लगा खवास चाकर जी हुजूरिये सब भाग खड़े हुए विमलदेव शाह ने आगे बढ़कर कहा महाराज उचित तो ये है कि आपकी जिस जबान पर गाली चढ़ी है वो जबान अभी काट ली जाए पर इस बार माफ करता हूं विमलदेव शाह गुजरात का राजस्व सचिव है उसके साथ गुर्जरेश्वर को प्रतिष्ठा का व्यवहार करना चाहिए राजा की वाणी जड़ हो गई उसने भर्राए स्वर में कहा तो विमल तू अपने राजा को मार डाल या दम दे दम तो दूंगा नहीं जितना था दे चुका हूं राजा को रुपयों की बड़ी आवश्यकता थी उसने बहुत सामूल्यवान पत्थर खरीदा था कुछ मालाओं की गड़काएँ आई थी उन्हें धन देना था और भी खर्च थे जितना रुपया आता था वो तुरंत ही उड़ जाता था महाराज हिसाब किताब रखते नहीं थे हाथ उनका खुला हुआ था उन्हें हर समय ही धन की आवश्यकता रहती थी राजा ने आंखों में आंसू भरकर कहा तो तुम मुझे मार डाल विमल ये काम मैं तो नहीं करूंगा पर महाराज इसका भी प्रबंध हो चुका है संभवतः आज ही आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी अब मैं जाता हूं ये कहकर रक्त से भरी तलवार हाथ में ले विमल देव शाह लौट चले राजा ने रोक कर कहा अरे ठहर विमल ये क्या बात कही तूने इसका क्या मतलब है अब धीरे धीरे दामोदर मेहता ने आकर राजा को प्रणाम किया उसने कहा यह बात मुझसे पूछिए महाराज क्या तू भी षड्यंत्र में है महता और तुम सब लोग राजवध किया चाहते हो महाराज दामोदर ने कहा राजवध कौन करना चाहते हैं और कौन महाराज की रक्षा करते हैं महाराज को इस पर विचार करने की फुर्सत ही नहीं है फुर्सत क्यों नहीं है पर तुम लोग सब मनमानी करते हो मुझे कुछ बताओ तभी ना तो महाराज ये यशस्वी महाराज मूल राजदेव की अकलंक गद्दी है और महाराज राजराजेश्वर चामुंडराय न्याय विधान में पीछे नहीं है मैं एक अभियोग उपस्थित करता हूं महाराज इस पर विचार करें और विमल विमल देव शाह साक्षी रहे अच्छी बात है अभियोग उपस्थित कर परंतु महाराज एक वचन दीजिए अभियोग चाहे जिस भी पुरुष के विपरीत हो और वो पुरुष चाहे जैसा भी प्रभावशाली और महाराज का प्रिय हो आपको न्याय करना होगा पर अभियोग क्या है महाराज की हत्या का और गुजरात के राजतंत्र को उलटने का तो मैं वचन देता हूं अभियोग किसके विरुद्ध है अपराधियों को उपस्थित कर दामोदर ने संकेत किया सेनापति बालूका राय रस्सियों से बंधे यति दत्त सूर्य को लेकर उपस्थित हुए राजा आश्चर्यचकित हो दामोदर की ओर देखने लगा दामोदर ने कहा महाराज मैं बालूका राय से कुछ प्रश्न करता हूं वो सुनिए परंतु ठहरिए उसने फिर संकेत किया इस बार देवसेन बालचंद खवास और महाराज की प्रिय वाहनी चंपकबाला को ले आउपस्थित हुआ दोनों के हाथ रस्सियों से बंधे थे अब दामोदर ने बालूका राय से पूछा बालूका राय तुमने इस यति को कहाँ पकड़ा नांदोल के राजमार्ग पर ये कहाँ जा रहा था नांदोल तुमने इसे किस लिए पकड़ा दामू मेहता के आदेश पर इसके पास तुमने क्या पाया एक पत्र और एक मुद्रा ये दोनों वस्तुएं महाराज के सम्मुख उपस्थित करो सेनापति ने दोनों वस्तुएं तुरंत महाराज के आगे धर दी महाराज महारानी दुर्लभ देवी के हस्ताक्षर और मुद्रा देखकर अचरज में डूब गए अमेहता ने देवसेन से पूछा देवसेन इन दोनों को तुमने कहाँ पकड़ा सरस्वती तट पर नगर द्वार के बाहर किस समय तीन प्रहर रात्रि जाने पर किसकी आज्ञा से आपकी इनके साथ कौन कौन था महारानी दुर्लभ देवी ये यति और कुमार दुर्लभ देव का सामंत अच्छा अब यति जी महाराज आप कह सकते हैं कि आप उस अर्धरात्रि में महारानी और इन सब के साथ क्या षड्यंत्र कर रहे थे नहीं मैं इनको जानता भी नहीं मुझे नांदोल जाते हुए पकड़ा गया है और ये मुद्रा तथा पत्रिका मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता अच्छी बात है चंपकवाला तुम कुछ बता सकती हो मैं कुछ नहीं जानती और तुम बालचंद मैं महाराज का निर्दोष सेवक हूं दामोदर ने देवसेन से कहा देवसेन इनके वस्त्रों की तलाशी तो लो तलाश में बालचंद के पास महारानी का कंगन स्वर्णदम और चंपकबाला के पास मोती की माला मिली खवास के पास विष की पुड़िया भी मिली तीनों वस्तुएं महाराज के पास रख दी गई राजा उन वस्तुओं को पहचान कर काट हो गए दामोदर ने कहा तुम बता सकते हो ये वस्तुएं तुम्हारे पास कहाँ से आई नहीं बता सकते हम कुछ नहीं जानते दामोदर ने संकेत किया देवसेन दो सैनिकों को भीतर ले आया दामोदर ने उनसे कहा इस स्त्री को नंगा करके कोड़े लगाओ सिपाही आगे बढ़े ये देख चंपकबाला रोती हुई बोली नहीं नहीं मैं सब साफ साफ कह देती हूं इसके बाद उसने सब षड्यंत्र का भंडा फोड़ कर दिया बालचंद खवास भी अपराध स्वीकार करके राजा के चरणों में आ गिरा केवल यति ने कुटिल हास्य करके कहा झूठ सब झूठ अब बालूका राय ने उस सामंत को भी लाकर उपस्थित किया पर उसने भी सब अस्वीकार किया परंतु अभियोग प्रमाणित करने भर की सब सामग्री जुट गई थी दामोदर ने कहा महाराज आपकी आज्ञा के बिना हमने महारानी और राज्य मंत्री वीकण शाह को बंदी नहीं किया था सो आप इन दोनों को बंदी करने की आज्ञा दीजिए महाराज चामुंडराय शोक क्रोध और संताप से सिर पकड़कर बैठे रह गए दामोदर ने कहा महाराज ने न्याय का वचन दिया है आज्ञा दीजिए राजा ने दोनों को लाने की आज्ञा दी महारानी क्रोध से लाल मुंह किए सिंघनी की भांति खड़ी हुई दामोदर ने कहा महारानी बा मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा गुजरात की रानी अपने चाकरों को जवाब देने को बाध्य नहीं परंतु मैं महाराज की ओर से पूछता हूं महाराज अभी जीवित हैं उनमें बोलने की भी शक्ति है वे ही क्यों नहीं पूछते राजा ने कहा महारानी मेहता की बात का जवाब दो मैं कोई जवाब नहीं दूंगी मैं किसी के प्रति जवाब दे नहीं हूं आपने राज विद्रोह किया रानी बा रानी स्वयं ही राजा की अर्धांगनी है उसके प्रति राजविद्रोह का अपराध लगाने का अभिप्राय है उसका अपने ही प्रति विद्रोही होना सो ये असत्य है आपने महाराज को मारने का षड्यंत्र किया था राजा कभी मरता ही नहीं है राजा चिरंजीव है परंतु मैं महाराज चामुंडराय के संबंध में कहता हूं राजा वही है जो सबका स्वामी है जिसे राजत्व का ज्ञान है और मर्यादा पालन की शक्ति है जिसमें वो नहीं है वो राजा ही नहीं उसके प्रति विद्रोह का प्रश्न ही नहीं उठता आपने महाराजा चामुंडराय की हत्या करके कुमार दुर्लभ देव को राजा बनाने की योजना स्थिर की थी रानी राज्य की उन्नति के और स्थिरता के लिए जो ठीक समझे कर सकती है तो आप स्वीकार करती हैं मैं कुछ स्वीकार नहीं करती वीकण शाह ने सब बातें विस्तार से बयान करके कहा कि मैं तो भेद लेने को षड्यंत्र में सम्मिलित हुआ था मैं महाराज का किंकर हूं महाराज ने सब बंदियों को अभी बंदीगृह में ले जाने तथा महारानी को राजमहल में नजरबंद करने की आज्ञा दी उसके बाद उफ आफत टली कहकर वे मसनत पर लुढ़क गए दामोदर ने कहा अभी आफत नहीं टली महाराज आफत सिर पर आ रही है महाराज फिर घबराकर बैठ गए उन्होंने कहा अब क्या दामोदर के संकेत से सामंत सिंह चौहान ने आगे बढ़कर राजा को प्रणाम किया राजा ने पूछा ये कौन मेहता ने कहा महाराज ये सामंत सिंह चौहान है घोगा बाबा का पुत्र आज आठ दिन से महाराज के दर्शन को भटक रहा है महाराज की मुख पर वात्सल्य की प्रसन्न मुद्रा छा गई उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर कहा आह बापा बहुत दिन से देखा नहीं तू आठ दिन से ये हराम खोर राजा ने भयभीत नेत्रों से विमल देव शाह की ओर देखा अभी भी उसके हाथ में वही रक्त भरी तलवार थी और वो आद्योपांत सब नाटक चुपचाप देखता रहा था दामोदर ने कहा महाराज विपत्ति सिर पर है कैसी विपत्ति भाई विपत्ति 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 का कोई आदि अंत भी है महाराज चौहान आपके पास घोगा बापा का संदेश लाए हैं क्या संदेश है पुत्र महाराज गजनी का दैत नगर गांव जलाता लूटता सब स्त्री पुरुषों को तलवार के घाट उतारता गुजरात की ओर धसा चला आ रहा है गुजरात की ओर महाराज ने बालू राय की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा बालूका राय ने मेहता की ओर देखा मेहता ने कहा महाराज पहले घोगा बापा का संदेश पूरा सुन ले राजा ने फिर सामंत की ओर देखा सामंत ने कहा महाराज उसने मुल्तान को आक्रांत किया है और बापा से उसने राह मांगी है राह मरुस्थली की राह वो मरुस्थली को पार कर सपाद लक्ष्य को जाना चाहता है घोगा बापा क्या उसे राह देंगे उन्होंने उसके हीरो भरे थाल में लात मारकर कहा है कि लात ही मेरा उत्तर है राजा सब बातें भूल कर बालक की भांति हो हो करके हंस पड़े उन्होंने कहा ये है घोगा बापा क्या मैं उन्हें जानता नहीं हूं परंतु महाराज मुल्तान के महाराज अजयपाल और लोहकोट के भीमपाल ने भय और लालच में फंसकर उसे राह दे दी है बापा ने कहा जब तक मरुस्थली के मुख पर मेरी चौकी है मरुस्थली में एक पंछी भी पर नहीं मार सकता परंतु फिर भी महाराज सावधान रहे इसी से मुझे भेजा गया है तो अच्छा किया फिर बालूका राय की ओर देखकर कहा बालूका बेटा इस अमीर को मार भगा देखिए गुजरात की भूमि पर पैर न रखने पाए बालूका चुपचाप खड़ा रहा दामोदर ने कहा महाराज ये सब तो समय पर होता रहेगा पर अभी आप विमल देव शाह को महामंत्री के पद पर नियुक्त कीजिए महाराज ने भयभीत नेत्रों से विमल की ओर देखा फिर कहा ठीक है विमल तू तो इन हराम खोरो नहीं नहीं ये बात नहीं सब टंटे खोरों को ठीक कर फिर सामंत की ओर देखकर आनंद मुद्रा से कहा आपूत आह अरे महता देख ये सामंत अभी जाए नहीं और वे फिर मसनत पर लुढ़क गए मेहता ने हाथ ऊंचा करके कहा महामंत्री विमल देव शाह की जय सब कंठों ने मिलकर जय घोष में योग दिया अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के सैंतीसवें भाग राजकलय को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में